राम राम सा, मैं हूं प्रिया, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जी बॉप के न्यू ट्रैक अम्मा पे, और ये उन्होंने डेडिकेट किया है सारी मदर्स के लिए। तो बिना किसी देरी से सबसे पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खुसी हुन्छु आमा सम्झँदा, सानो छताको याद न्यानो काखो सम्झना, अहिले म याद गर्छु आमा काति त्यागहरू, मेरो लालन पोषण गर्न मङ्गल सूत्र बन्धकमा कदापि दिने छैन आमाको त्याग मरिजान, आमा मात्र एउटै मायाको त्यो परिभाषा, टाढै भए पनि महसुस गर्न सक्छु, सम्झिरहेछिन् मलाई छोरोले के गरिरहेछ। आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद। आज म ठुलो भए तिम्रै काखमा हुर्केर, लुकाउन खोज्दा खोज्दै पावा नाइ लुकेनन्, आमाको चाहना त्यो छोरोलाई कि पुगेन, त्यही आमाको मुटु टेकी टाण्डव नाच्न पुगे म, पिस्लिन्थे अमृत सोचेर नसामा डुबे म, मिसिन्थे खराब सङ्गतमा आमालाई भुलेर, निस्किन्थे बिहान राति घर आउँथे झुलेर, बिर्सिन्थे भोकै आमा बसिरहेछिन् कुरेर। सच्याउने कठिन छ अन्जानको भुल गल्ती त, अन्तिम इच्छा छ मेरो तिम्रो काखमा पल्टिन, हुन त शब्दहरू टन्नै हुन्छ मसँग, तिम्रो माया शब्दले म वर्णन गर्न सक्दिन। आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद। लुका हेरै राखिन् दुःख कहिले देखाइनन्, चिन्तित छिन् उनी सोधिन् मलाई के खाइस् त, मेरो खुसीको पलमा सबजना थिए, अहिले आमाले मात्र सोधिन् के भो किन स्यालाइस् त। हाता मिठो स्वाद लिन्छ न्या जित्दा पनि वावा छ, सबजना स्वार्थी छ म कसको गरू विश्वास त, साथ चाहिरहेछ मलाई आमाको याद आइरहेछ, आमाको माया मात्र हुँदो रहेछ निस्वार्थ, आमालाई भन्न मन छ अब तिमी आराम गर, आमाको इच्छा छोरा समाजमा उदाहरण बन्छ, देउताले पुकारेको जस्तै लागिरहेछ मलाई, आमा भन्ने भारी शब्द उच्चारण गर्दा। आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद। पश्चातापको मनमा बोझ बढी भयो, अहङ्कारले मलाई अन्धो बनाइरहेको थियो, तिमी बिना मेरो छैन अस्तित्व आमा, तिमी बिना मेरो छैन अस्तित्व, छोराले राम्रो मतिलेला पर्ने आशामा, फुलको बाटो छोडी हिँड्न पुगे काँडामा, आमाकै छेउमा सधैँ बसिरहन पाऊ अब, दुई हात जोडी मैले सधैँ गर्छु प्रार्थना, मेरो जस्तो गल्ती कसैले पनि नगरोस्, कोही आमा बेघर नहोस् यही नै मेरो कामना, आफ्नो गाँस मेरो भागमा दि भन्थ्यो भोक छैन, बल्लमा महसुस गर्दैछु तिम्रा भावना। आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद, महसुस गर्दैछु म आमा तिम्रो त्याग, आमा मलाई तिम्रो आइरहेको छ याद। सो गाइज, ये था ट्रैक और लिटरली मैं एकदम स्पीचलेस हूँ, और ऐसा बहुत कम बार होता है कि कुछ कहने को नहीं होता, क्योंकि
इसमें ट्रैक की अगर मैं गाने की बात करूं तो हर एक बात, मतलब इस गाने की जो लिरिक्स है सब कुछ इतना ज्यादा कमाल का था। जैसे कि मतलब जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तब ये भी आता है कि मतलब माँ ने मुझे पालने के लिए मेरे लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच देती है, या जो भी माँ करती है अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती है वो सब कुछ इस गाने में उन्होंने बताया हुआ है। और लिटरली बहुत ज्यादा कमाल की लिरिक्स है। और जी बॉब, काफी टाइम बाद हमने जी बॉब का गाना सुना है। एक तो हमने जी बॉब की कोई कंपटीशन हुआ था रैप बैटल, उसपे हमने उनका रिएक्शन किया था और लिटरली आपने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया था उस वीडियो के ऊपर। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि जी बॉब का जो फ्लो है वो जिस तरीके से रैप करते हैं वो इतना ज्यादा कमाल का लगता है। और फिर हमने जी बॉब का गाना सुना, मतलब गाना सुना था चिल्मा, वो गाना बहुत ही डिफरेंट लेवल का था और इस टाइप का मतलब इमोशनल कर देने वाला गाना ये हमने जी बॉब से पहली बार सुना है। और लिटरली मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, गूज़बम्स आ रहे थे इस गाने की जो लाइंस है लिरिक्स है बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा कमाल की थी। और वैसे इसमें पहले ही नीचे लिखा हुआ है कि ये डेडिकेट किया गया ऑल मदर्स के लिए, तो हम में से सबको ही पता है कि जो सेक्रीफाइस मतलब जो जितने त्याग हमारे सबकी जो मदर है वो करती है वो कोई नहीं कर सकता। और इसमें एक और लाइन थी कि यहाँ पे सब स्वार्थी है तो मैं अब किस पे भरोसा करूँ। तो सही बात है कि किसी कोई भरोसे के लायक नहीं होता, सिर्फ एक माँ ही होती है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, वो आपकी सारी गलतियों को माफ करती है। आपको तो अगर अपनी गलती का एहसास हो, जैसे इसमें लास्ट वाला जो सीन था उसमें गूज़बम्प्स भी आ रहे थे कि वो ऐसे फर्श पे लेटे हुए हैं और फिर उनकी माँ आ रही है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के है। और पूरी लिरिक्स आप देखिए हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि हर कोई कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले ही लेता है और वो अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते। लेकिन एक टाइम आता है जब आप अपनी गलतियों को समझो और टाइम रहते उन्होंने जो कुछ किया है ना उनका उनको पे बैक करो, उनके साथ अच्छा अच्छे से पेश आओ, तो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद आपको ये रिग्रेट नहीं रहे। और ये लाइन सच में बहुत ही कमाल की। और जी बॉब ने जिस तरह से मतलब जो इमोशंस के साथ इसे गाया है वो बहुत ही कमाल है। तो गाइस ओवरऑल ये ट्रैक हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको ऐसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Oh, 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 o